एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो 7 बजे उठ गई थी, लेकिन अभी जो है 8:30 का टाइम है। मैं नहाई नहीं हूँ और मैं टाइम देख रही थी। हाँ, तो 8:30 का टाइम है, मैं नहाई नहीं हूँ, अभी नहाऊँगी और खाना वगैरह बनाऊँगी। पहले मैं ही नहाऊँगी, ब्रश वगैरह तो मैंने कर लिया है, चाय भी हो चुकी है। और मैं जो है थोड़े बहुत, मैंने कहा अभी पर्दे पर्दे हटा देती हूँ, जब जाएंगे तब लगा देंगे। जुकाम सा हो गया मेरे को। उठाया है ना, बोलो इन्हें उठे, अब तो टाइम हो गया। इसलिए सुबह सुबह भी जाने का मुंह नहीं रखा, भी ठंड है, बच्चे नहीं उठ पाएंगे। पानी लगाया गरम? लाइट नहीं आ रही? हो फिर अभी तो आ रही थी थोड़ी देर पहले। लाइट नहीं आ रही। इन्वर्टर में एक लाइट का मतलब है कि लाइट नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। ठंडे पानी से नहाऊंगी आज ही, तो मैंने कहा गर्म पानी करवाती हूँ। नहीं, मैं नहा चुकी हूँ 2-3 बार गर्म पानी से। हाँ बेटा उठो भाई, जाना है तो। अभी खाना वाना भी बनाऊंगी मैं, किचन वगैरह पूरी समेट दी है, बस थोड़े से बर्तन है सुबह सुबह के, और थोड़ा सा झाड़ू पोछा भी होगा। ये वाली बेडशीट वगैरह भी कर दी है। ये ना एक वीडियो बनानी है, अर्जेंट है, तो या तो ये लेके जाऊंगी साथ में, वहीं बनाऊंगी, या फिर जो है आके बनेगी, पूछूंगी अभी जिनकी बनानी है भाई। ज़्यादा अर्जेंट है, डेट वगैरह है तो लेके जाऊंगी, डेट वगैरह का चक्कर नहीं है तो फिर आके बनेगी। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ सबसे पहले पूरी बनाने की। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आटा लगाती हूँ, क्योंकि फिर सब्जी छोंक के क्या होगा ना, मैं पूरी बनाने लग जाऊंगी, क्योंकि सब्जी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने पहले आटा छाना, उसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाल दी है हाथ से घिस के, और इसमें आप इस टाइम पे नमक और तेल घी, जैसे मोन बोलते हैं, वो डाल सकते हैं। और अगर आप तेल घी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें मलाई डाल सकते हैं, आप इसमें दही डाल सकते हैं। सॉफ्ट हो जाती हैं पूरियाँ सफ़र के लिए, वैसे भी घर के लिए भी अच्छी लगेंगी। तो मैंने ना कल पेस्ट बना लिया था, आपको याद होगा, उसका पालक का, वो इसमें डाल दिया है। और ये पालक का ही बचा हुआ पानी है जो मैं इसी में लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ज़रूरत पड़ ही जाएगी। लेकिन अगर आप मलाई वगैरह से डालते हैं पालक के पेस्ट के साथ, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर आटे का भी डिपेंड करता है कि आप आटा कितना ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आटा लग चुका है मेरा, तो मैं बनाऊँगी आलू गाजर मटर। तो ये आलू उसी के लिए हैं, और आटा मैंने लगा के रख दिया है। जितने तक मैं सब्जी वगैरह छोंकूंगी उतना तक आटा जो है, जो रेस्ट करना होगा वो कर लेगा। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई है, तेल गर्म हो गया है, तो जीरा डाला है मैंने, और उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज। तो बस मैं प्याज को भून लूँगी, मतलब जैसे गुलाबी से हो जाएंगे, ब्राउन से हो जाएंगे, तब तक, काले वाले ना हो, मतलब ब्राउन ऐसे वाले हो जाएंगे। तो ये भून चुके हैं, और मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। मसाले में मैं वही जो किचन के 3-4 मसाले होते हैं बेसिक, जो रोज़ यूज़ होते हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो मैंने इसमें डाले हैं। और इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद जो सब्ज़ी हमने काट के रखी हुई है वो मैं इसमें डाल दूँगी, सब्ज़ी वही आलू गाजर मटर की। तो ये सब्ज़ी डालनी मैंने शुरू कर दी है। और इस तरह से जैसे देखिए मैं बनाती हूँ सब्ज़ियाँ, बहुत टेस्टी बनती हैं, सिंपल होती हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे पूछते हैं, रश्मि तुम्हारी सब्ज़ी जैसे बगैर पानी की होती है तो वो गलती कैसे? भाप भाप में गल जाती है। बस कढ़ाई आपकी मोटी तली की होनी चाहिए, अगर तली हल्की है कढ़ाई की, फिर नहीं बनेगी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं प्लेट ढक रही हूँ, सब्ज़ी मिक्स कर दी है, अभी इसको बनने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे 2 से 3 बार या 4 बार। 4 बार में तो सब्ज़ी बनी जाएगी, 3 बार में भी बन जाती है कई बारी। तो अभी तैयारी शुरू कर दी है मैंने पूरी बनाने की, इसीलिए मैंने पहले आटा लगाया था, ताकि जो है आटा रेस्ट कर ले जब तक मैं सब्ज़ी छोकूँ, और फिर मैं जो है पूरियाँ बनानी शुरू कर दूँ। तो कढ़ाई मैंने उधर कर दी है, पूरी बनाने के लिए कढ़ाई उधर कर ली है, क्योंकि मेरा हाथ ना उधर ही काम करता है, मेरा हाथ इधर की साइड काम नहीं करता है। ऐसा होता होगा सभी के साथ कि जैसे अपना गैस होता होगा उसके एक बर्नल पर ज़्यादा काम करते होंगे आप लोग, उस उधर की साइड हाथ आपका ज़्यादा पड़ता होगा। तो देखिए गर्मा गर्म हमारी जो पालक की पूरियाँ हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। सफ़र के लिए बनाओ, चाहे आप इन्हें घर के लिए बनाओ, चाहे आप नाश्ते में बनाओ, चाहे आप मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बनाओ। एक तो कलरफुल सी लगती हैं हरी हरी पूरियाँ, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में भी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, वैसे आप लोग ट्राई कर चुके हैं फिर आपको पता ही होगा, जिन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, बहुत ही ईजी है, सिंपल है। तो यहाँ पर बस मैं बाकी की पूरियाँ भी इसी तरीके से बना कर तैयार कर कर रख लूँगी।
तो देखिए सब्जी हमारी बन चुकी है और मैंने इन लोगों को खिलाना शुरू कर दिया है। कुछ हम लोग पूरी रख लेंगे सफ़र के लिए और कुछ जो नाश्ते के तौर पे जिस जिसने खानी होगी, वैसे मैंने सभी को खिला दी है। तो यहाँ पे बस ये सब्जी है, इसको मैं ठंडी कर रही थी क्योंकि मुझे इसे प्लास्टिक के बर्तन में निकालना है। तो देखिए मैंने इस बर्तन में सब्जी निकाली है, जो बीकानेर के डब्बे आते हैं ना जिसमें रसगुल्ले वगैरह या रसमलाई आती है, तो उस डब्बे को मैंने रखा हुआ था धो के, इस तरह से काम में आ जाते हैं। और इसमें मैंने रखी हैं पूरियाँ इन डब्बों में, मतलब हम पांच जने हैं तो मैंने पांच डब्बे बना लिए हैं, उसके अंदर पूरियाँ रख ली हैं ताकि अपना अपना डब्बा लो, डब्बे के अंदर सब्जी रखो और सब और खाना खा लो आराम से, ना डालने का ज़्यादा टेंशन रहेगा। और एक चम्मच मैंने रख ली है, चम्मच मैं अलग से रखूँगी, इसमें नहीं रख रही हूँ कि इधर उधर गिर जाए या कुछ, वो तो मैंने कहा चम्मच मैं रख लेती हूँ अपने पास। साथ में ये फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में जो है केला वगैरह है, सेब है, संतरा है, जैसे रास्ते में मन हो, वैसे होता नहीं है, एक ही बार मन होता है वो हम खाना खा लेते हैं फिर उसके बाद नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो भाई फ्रूट्स वगैरह खाने हो, बच्चों को तो भूख लगती है ज़्यादा जब कहीं बाहर जाएं तब। तो जो है खाना वाना मैंने बना दिया है, फिर उसके बाद मुंह धोया क्योंकि तेल तेल सा हो जाते हैं। और अब मैं होंगी तैयार, मतलब मेरे को क्या है 2 मिनट लगेंगे, मेकअप वैसे वाला नहीं करना है, क्रीम जैसे रोज लगाती हूँ वैसे वाला। चलो मैं रेडी होती हूँ। लड़ो मत, इन्हें कह रही मैं, लड़ो मत, चैनल वहां के बंद कर दिए पर्दे, भगवान जी के कमरे के और डाइनिंग वाले कमरे के गुड्डू। चलो तुम लोगों ने ले लिए अपने अपने मास्क। चलो यार मेरे पेट में दर्द सा हो रहा है के बजाय मैं लेट गई हूँ थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट हो गए होंगे मुझे लेटे लेटे, और तैयार काफ़ी देर पहले हो गई हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ, मेरे ना एकदम से दर्द उठ रहा है, बंद हो रहा है, उठ रहा है, बंद हो रहा है पेट में, तो गैस की गोली खाई है, साइलेंट कर दे भी उठा रही हूँ, तो थोड़ा सा ना अजीब सा हो रहा है। तो ये कह रहे कि 2-4 मिनट रुक, 10-15 मिनट रुक जा, भी तो घर पे ही है, पेट में पता नहीं क्यों बीच में गोला गोला सा, मुझे जब से मैं पूरियाँ बना रही थी तब से हो रहा था, मुझे लगा कि शायद बंद होगा, तेज भी नहीं है कि भैया ऐसे है नहीं है ये वो नहीं, लेकिन हाँ दर्द है, तो देखते हैं ठीक होता है कि नहीं होता है, फिर निकलते हैं, बच्चों को लग रहा है मम्मी चलो मम्मी चलो मम्मी चलो। हाँ भाई चल रहे हैं मम्मी, आपको तो बस ऐसे ही होता है, गुड्डू को तो ज़्यादा ही। हाँ भाई तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, एक बार हम लोग पहले निकले और हरबतपुर तक ही पहुँचे होंगे, फिर वापस गए घर पे क्योंकि मेरे को अजीब सा हो रहा था, तो मेरे को ये था भाई अभी तो घर पे ही है, अपने एरिया में ही है, पहले मैं ठीक हो जाऊँ तो फिर मेरे को ठीक लगा, मतलब मेरी वजह से आप कह लो 1.5 घंटा लेट हुए हैं हम निकलने में, फिर जब मुझे बिल्कुल ठीक लगा तब हम लोग आगे के लिए निकले। लिखा हुआ है आओ।
तो हम पहुंच चुके हैं संगम ढागा, संगम ढागा अंबाला है ना, अंबाला आएगा। अरे बीच में संगम ढाबा है, काफी साफ सुथरा है, चाय बनवा लो। हाथ से बैठ, कुछ मत दबाइए, नहीं कुछ भी, ठीक है, बैठ 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 जा। अभी नहीं पहुंच पाएंगे, अभी तो टाइम लगेगा, अभी तो अंबाला में है, खाना खा के अभी 10-15 मिनट पहले निकले हैं। और अभी तन में भी पीछे आ चुका है, गुड्डू में तो पहले से ही पीछे थे। तन में क्या कर रहा है बेटा, क्या कह रहा? और अभी जो है देखते हैं लुधियाना रुकेंगे या सीधा अंबाला जाएंगे, क्योंकि लंबा सफर हो जाएगा। तो इस वजह से मेरा कलेचा गिरा था, आपके हाथ में था ना, इसीलिए गिरा था। क्या हुआ गुड्डू? नेल पेंट चेंज करने के लिए मैं लाई हूँ, चेंज करूंगी अभी, करें फिर हिलेगी ना, गाड़ी हिल रही है, दिक्कत आएगी, फिर दिक्कत आएगी, इस वजह से कह रही हूँ ना। हाँ वही पहुँच के लगा लेंगे जहाँ पे भी रुकेंगे। कड़े मैंने ये वाले लिए थे कल, ये वाले चलो अच्छे हैं। इसमें तीन कलर है, अरे चार कलर है, एक वाइट है, एक क्रीम है, एक ग्रे है, और एक येलो है। ये कैसे करके दिखाना पड़ेगा, ऑरेंज भी है, ऑरेंज भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी, वाइट ग्रे ग्रीन, इस तरीके से। चलो ये अभी तक कहीं भी नहीं पहुंचे हैं, अभी अंबाला क्रॉस हुआ है। और ये जो है चुन्नी मैंने इसलिए की हुई, यहाँ पे धूप आ रही थी बहुत, जब तो धूप चली गई। विपिन है उधर गाड़ी का सामान की बात करने के लिए गए हैं, और फ़ोन में ना पता नहीं चल रहा है बिल्कुल भी, लेकिन मेरे बहुत सारे दाने हो रहे हैं माथे पे, बहुत सारे दिख नहीं रहे ऐसे तो, ये क्योंकि मैं ट्रेडिंग कराती हूँ ना, तो ये मुझे होते ही हैं, और ये 2-3 दिन रहते हैं, तीसरे चौथे दिन जाके ठीक होते हैं, लेकिन अभी तो पहला ही दिन है, 24 घंटे भी नहीं हुए, तो इन पर ना ख़ारिश भी हो रही है मेरे बहुत ज़्यादा। हाँ वेतन में पानी अंदर करो मुंह से, कैसा लग रहा है? बस बार बार पूछे जा रहा है तन में कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, क्या कर रहे हैं बाहर। पूछती हूँ, ये भी पूछती हूँ कि कहाँ पे है। बोलते हैं सुनो पापा, सुनो फोन पर बात कर।
है लुधियाना और ये देखो बाल कैसे हो रहे हैं, मैंने शीशे डाउन कर लिए ना उस टाइम तो। हाँ बेटा इन्हें खिलौने चाहिए, मतलब खिलौने चाहिए मतलब। हाँ तो दिला देंगे ना, मैंने बोला ना एक खिलौना दिला दूंगी, मैं हर जगह ये जिद मत किया कर खिलौना खिलौना खिलौना। तो अभी जो है लुधियाना पहुँच चुके हैं, यहाँ किसी काम से गाड़ी रुकी, अब देखते हैं हम आगे जाते हैं या आज की रात लुधियाना रुकते हैं, ये कंफर्म नहीं है कि यहीं रुकेंगे। ये लोग कुछ पूछने के लिए गए हैं। नहीं बेटा यूट्यूब यूट्यूब ही देखना, नहीं गलत बात है। एक तो जब मैं बात करने लगी करूँ तब एकदम से फ़ोन मत लिया करो, जैसे ही मैं बात करने के पापा आगे चलो स्टार्ट हो गए। फ़ोन देखना है कि फ़ोन देख लूँ मैं आपका। कितने बाथरूम वगैरह साफ है या करेंगे अभी? का हो रहा है मेरे को, क्योंकि 6 या 6:30 का टाइम है, नहीं 6:05 हो रहे हैं, मेरे को चाय का मन हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो दोपहर चाय पी थी ना मुझे अदरक की चाय का है, मुझे सर्दियों में इलायची की चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ अदरक के साथ इलायची है तो फिर चलता है। तो अभी जो है मेरा मन हो रहा है क्या नाम है चाय पीने का, और तन्मय को भूख लग रही है, गुड्डू ने तो गाड़ी में खा ली थी अभी पूरी और वो सब्जी। तन्मय को कुछ मंगा देते हैं या इन्हें भी लेके चले नीचे, चिप्स खाना है चिप्स वो इससे बढ़िया बनाना फ्रूट्स है, फ्रूट्स ला दो, चिप्स बनाना खा लो चिप्स। तो देखते हैं चाय पीने जाते हैं और एक नए शहर में है, थोड़ा सा शहर देखते हैं बाहर निकल कर। चलें हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अच्छी भी नहीं लगेगी और लंबी ये हो चुकी होगी। मैं चाहती हूँ कि आराम से 10-12 मिनट का वीडियो रहे, पर वही इतना एडिटिंग करने के बाद भी इतना कट कट कर देती हूँ बहुत सारी चीज़ों को, फिर भी 15-16-17-18 तक पहुँच जाती है। कोशिश करूँगी कम से कम वीडियो बने और कम टाइम की हो, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहे और आप लोग देखें भी। तो चलो फिलहाल मुझे दो इजाज़त, बाय बाय, कल मिलते हैं।